Hello, dear students. Welcome back to the online classes by Sunday School. Dear students, today we are going to start a new lesson from your English book Flamingo. And the name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Dear students, do you know what is apartheid? Apartheid means separation. सेपरेशन क्या होता है सेपरेट द पीपल बाई कलर ऑफ देयर स्क्रीन स्किन चमड़ी के आधार पर लोगों को सेपरेट करना सेपरेशन कहलाता है अब ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी चमड़ी के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता था आपने महात्मा गांधी का भी जीवन पढ़ा है उन्होंने भी काफ़ी समय दक्षिणी अफ्रीका में इस रंग भेद की नीति के खिलाफ अपना बिताया वहाँ पर रहे वो क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में तरह तरह के लोग भिन्न भिन्न देशों से वहाँ पर गुलाम बना करके बसाए गए लोग रहते थे तो कई तरह के लोग थे वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में खासकर वहाँ चार प्रकार के ग्रुप बने हुए थे सोशो इकनॉमी आधार पर कल्चरल लाइफ के आधार पर और एनेक्सिटी के आधार पर वहाँ पर चार ग्रुप बने हुए थे ब्लैक वाइट एक तो ब्लैक ग्रुप था एक वाइट लोगों का ग्रुप था कलर्ड लोगों का ग्रुप था और एक इंडियंस का ग्रुप था तो वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सेवेंटी फाइव परसेंट जो है ब्लैक लोगों की पॉपुलेशन थी काले लोग रहते थे सेवेंटी फाइव परसेंट बहुसंख्या इनकी थी और गोरे लोगों का मात्र वहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट जनसंख्या थी इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद गोरे लोग दक्षिणी अफ्रीका में उनकी सरकार थी अगर हम इनके इतिहास के बारे में जाने अफ्रीका के इतिहास के बारे में तो यहाँ अठारहवीं शताब्दी में ही डचों ने शासन कर लिया था साम्राज्य स्थापित कर लिया था फिर डच और ब्रिटेन के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई और फिर ब्रिटेन के अधीन ब्रिटेन ने डचों को हरा दिया तो सन हम देखें तो न, 1900 में ही वहाँ पर जो रंग भेद की नीति है उसके कुछ लक्षण दिखाई देने लग गए थे जब गोरी सरकार ने काले हबसी लोगों को चर्च में आने पर रोक लगा दी थी उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए और यहाँ एक पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी थी गोरे लोगों की पार्टी थी तो कुछ समय पश्चात जब उपनिवेशवाद खत्म हुए तो गोरे लोगों की यहाँ पर सरकार बनी 1948 में और 1948 में जैसे ही ये सरकार बनी तो इन्होंने कानून पास करके इस रंग भेद की नीति को और गहरा कर दिया और इन्होंने उन्नीस में एक मिक्स मैरिज एक्ट पास किया जिसमें कहा गया कि जो गोरे लोगों में ये लोग शादी नहीं कर सकते हफ् और काले लोग हैं ये केवल काले लोगों में ही शादी कर सकते हैं और इसके बाद फिर एक और यहाँ पर नियम निकाला गया था 1960 में और रिमूवल फ्रॉम होम्स इस प्रकार का एक कानून बनाया गया जिसमें लगभग साढ़े तीन मिलियन काले अफ्रीकन लोगों को रिमूट फ्रॉम देयर होम्स उनके घरों से निकाला गया और ये नीति अपनाई गई कि काले लोग अलग हफ्सी लोग अलग जगह बसेंगे और गोरे लोग अलग जगह बसेंगे इसके चारों तरफ निंदा हुई और आपने ये देखा भी है और पढ़ा भी है कि 1970 से और 80 के दशक के बीच में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने भी जो है रंग भेद की नीति को समाप्त करने पर जोर डाला और दुनिया के कई राष्ट्रों ने दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपने संबंध जो है तोड़ दिए और एक तरह से आपने देखा कि दक्षिणी अफ्रीका को खेलों से भी ये ये क्रिकेट टीम भी बाद में आई है जब यहाँ पर रंग भेद की नीति समाप्त हो गई तब यहाँ पर ये यह आई है तो काले लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता था उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता था उनके रहने के लिए अलग अलग जगह बना दी गई थी वे उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे जहाँ पर गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उन रेस्टोरेंट और होटलों में नहीं जा सकते थे जहाँ पर गोरे लोग जाते हैं तो गोरे लोग इन हाबसियों को अछूत मानते थे धीरे धीरे काले लोगों ने रंग भेद की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया और ये संघर्ष बहुत लंबा चला और आखिरकार फिर इस संघर्ष में जो है काले लोगों की जीत हुई यहाँ पर इलेक्शन कराए गए और नैनसन नैलसन मंडेला की जो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने यहाँ के इलेक्शन में बड़े भारी बहुमत से विजय जीत हासिल की और नेशनल पार्टी को गोरे लोगों की नेशनल पार्टी को टोटल चार सौ वोटों के मुकाबले उन्होंने दो सौ बावन वोट प्राप्त करके यहाँ पर बहुमत हासिल किया हासिल किया और 10 मई 1949 को एक भव्य समारोह में नैन्सल मंडेला को साउथ अफ्रीका में प्रथम श्वेत राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई तो इसी चैप्टर इसी के बारे में हम पढ़ेंगे नैलसन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये इनकी एक आत्म जीवनी है जो इन्होंने खुद लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से लिया गया है ये पाठ का अंश तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किस प्रकार से वो जो समारोह था उसका आयोजन हुआ और किस प्रकार से उस समारोह को सेलिब्रेट किया गया तो देखिए बच्चे बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को जाने तो ज़्यादा बेटर है अपारथेड इज़ ए पोलिटिकल सिस्टम अपारथड एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है अपारथड मीन रंग भेद रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है दैट सपरेट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस इस प्रणाली में लोग जाति के आधार पर सेपरेट कर दिए जाते हैं अलग कर दिए जाते हैं रेस के आधार पर जाति के आधार पर तो ये रंग भेद एक ऐसी नीति है जिसमें चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है बांट दिया जाता है कैन यू से विच ऑफ दीज कंट्री नेम्ड बिलो कैन यू से क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ दीज कंट्रीज़ इन देशों में से नेम्ड बिलो जो नीचे नाम दिए गए इन तीन देशों में से कौन से देश में सचे पोलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली सबसे आखिर तक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था रंग की नीति कौन से इन तीन देश में से ए, में रही लास्ट तक तो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति सबसे लास्ट तक चली है हैव यू हार्ड ऑफ नैलसन मंडेला क्या आपने कभी नैलसन मंडेला के बारे में सुना है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एप्राथेड मंडेला ने और उसकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लड़ते हुए संघर्ष करते हुए अगेंस्ट अपारथेड इस रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मंडेला हैड टू स्पेंड थर्टी इयर्स इन प्रीजन मंडेला को तीस साल तक जेल में रहना पड़ा फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिर में उन्नीस में साउथ अफ्रीका में जनरल इलेक्शन कराए गए सामान्य इलेक्शन चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन और नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बना इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज आटोबायोग्राफी ये जो पाठ है ये उसकी आत्मजीवनी से लिया गया है इस पाठ में और इस आत्मजीवनी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस इससे लिया गया है तो इस पाठ में इस अंश में मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करता है इस पाठ में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ओकेजन मिन अवसर के बारे में बताता है दी इन एगोरेसन इनागोरेशन में उद्घाटन एक उद्घाटन के बारे में बताता है कैन यू गैस क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वट ओकेजन माइट बी कि नेल्सन मंडेला यहाँ किस अवसर के बारे में बताता है आप बता सकते हैं किस अवसर की बात हो रही है यहाँ कौन से सेलिब्रेशन की बात हो रही है कौन से उद्घाटन की बात हो रही है चेक यूर गैस आप गैस लगा सकते हैं ये देखकर कर विद न्यूज़ आइटम ये जो खबर है नीचे और ये बीबीसी लंदन की खबर है अखबार की उस खबर और ये 10 मई उन्नीस को प्रकाशित हुआ था ये खबर इस ख़बर को पढ़कर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का सेलिब्रेशन हुआ कौन सा उत्सव मनाया गया अब खबर पढ़ते हैं जो यहाँ 10 मई उन्नीस सौ के अखबार में, में आई थी ये खबर क्या है देखिए इसका शीर्षक था मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज़ फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ये इसका शीर्षक था कि साउथ अफ्रीका का पहला एसवेत राष्ट्रपति कौन बना मंडेला नेल्सन मंडेला हैज खबर थी खबर क्या थी पूरी पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन थर्टी थ्री सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल तीन शताब्दी मतलब तीन सौ सालों के गोरी सरकार के शासन के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले एसवेत राष्ट्रपति बने ये खबर थी मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम था ए इस पार्टी ने वो टू फिफ्टी टू ऑफ दंड्रेड सीट चार सौ में से दो सौ बावन सीटें जीती इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो यहाँ पर पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए उन चुनावों में ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार चुनाव हुए थे और उन चुनावों में 400 में से दो सौ सीटें नैलसन मंडेला की ए पार्टी ने जीती द इन आर्गुएसन सेरामनी टुक प्लेस ये उद्घाटन समारोह हुआ इन यूनियन बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश लोगों की बिल्डिंग थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय जो बड़ी बड़ी इमारतें थीं यूनियन इन ब्रिटिश जो ब्रिटिश इमारतें थीं उनके बीच में एम थिएटर एक रंगमंच था रंग भूमि थी एक बहुत बड़ा थिएटर था जिसके छत नहीं होती खुले मैदान में होता है ये सीटें वगैरह होती हैं तो एक स्टेडियम टाइप था ये इन प्रीटोरिया टुडे प्रीटोरिया में आज एक बहुत ही यूनियन बिल्डिंग्स के रंग भूमि में एक उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ ये खबर थी और इस आयोजन में अटेंडेड बाई पोलिटिशियंस एंड डिग्नेट्रीज़ फ्रॉम मोर देन वन फोर्टी कंट्रीज और इस समारोह में 140 देशों से अधिक के राजनेताओं ने और सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया अराउंड वर्ल्ड पूरी दुनिया भर से नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाई एन अदर सैड नैलसन मंडेला इन हीज एड्रेस नैलसन मंडेला ने अपने भाषण में इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा था क्या कहा नेवर नेवर अगेन आज के बाद कभी भी विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस इस सुंदर देश में कभी नहीं होगा the ऑपरेशन ऑफ वन by अनदर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन मिन दमन कभी नहीं होगा जुबलियंट सीन्स ऑन the स्ट्रीट्स ऑफ Pretoria प्रिटोरिया की गलियों में बड़े ही शानदार दृश्य देखे गए the ceremony विद ब्लैक्स फॉलोड by द सेरेमनी विद ब्लैक्स white एंड कलर्ड और यहाँ जो उत्सव हुए वो काले गोरे और रंगीन लोगों ने सेलिब्रेट किए मिलकर टुगेदर मिलकर सेलिब्रेट किए मोर देन वन लैख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ आल रेसिस सेंग एंड डांसड विद joy। एक लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीका के पुरुष महिलाओं और बच्चों ने डांस किया और ख़ुशी के गीत गाए तो ये अखबार में खबर थी इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो समारोह हुआ हमसे पूछा गया था कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस चीज़ का समारोह था तो आज़ादी का समारोह था वहाँ पर से गिवन सेरेमनी थी शपथ समारोह था और राष्ट्रपति को वहाँ पर शपथ लेनी थी तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को आइए शुरू करते हैं टेंथ मई डान ब्राइट एंड क्लियर दस मई की सुबह बड़ी ही चमकीली और साफ थी मौसम बड़ा सुहावना था दस मई का सुबह सुबह का मौसम फॉर दी पास्ट फ्यू डेज नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली मैं बहुत ही खुशी के साथ बी सीज्ड बाई बी बाई घिरा हुआ था मैं बड़ी ही खुशी से घिरा हुआ था बाई डिग्नेटरीज बड़े सम्मानित लोगों से एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के लीडर से नेताओं से मैं घिरा हुआ था वर कमिंग टू पे देर रेस्पेक्ट और ये लोग आ रहे थे सम्मान देने के लिए बिफोर द एनु एग्रेशन उद्घाटन से पहले सम्मान देने के लिए ये लोग यहाँ पर आ रहे थे इन लोगों की के बीच में घिरा हुआ था द इन आर्गुएसन वुड बी दी लार्जेस्ट गैदरिंग और ये जो उद्घाटन समारोह था इन आर्गुएसन ये वुड भी होने वाला था दी लार्जेस्ट सबसे बड़ा गैदरिंग गैदरिंग मीन भीड़ जमवाड़ा एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमवाड़ा लगने वाला था उन साउथ अफ्रीकन सोयल साउथ अफ्रीका की धरती पर साउथ अफ्रीका की धरती पर ये जो समारोह है ये ऐसा समारोह बनना था जिसमें दुनिया भर के सबसे अधिक संख्या में दुनिया भर के नेता यहाँ पर आने वाले थे दुनिया भर के जो है डिग्नेट्रीज यहाँ पर आने वाले थे द सेरेमनीज़ टूक प्लेस इन दी लवली स्टैंड सेंड स्टोन सैंडस्टोन होता है बालुई पत्थर की जो मिट्टी होती है बालुई पत्थर एम पी थिएटर एम थिएटर होता है रंगभूमि जैसा कि मैंने पहले बताया है स्टेडियम फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया ये जो समारोह था दी सेरेमनीज़ टूक प्लेस ये समारोह हुआ कहाँ हुआ इन दी लवली सैंड स्टोन एम थिएटर उस प्यारे से बलुआ मिट्टी के बने हुए स्टेडियम में हुआ होम्ड बाय दी यूनियन बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स से घिरा हुआ था इन पीटोरिया प्रियटोरिया में प्रीटोरिया यहाँ की राजधानी थी और प्रियटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में एक बहुत ही शानदार स्टेडियम था जो बालवी पत्थर पर बना हुआ था मिट्टी पर और वहाँ पर यह सेरेमनी होनी थी फोर डिकेड्स कई दशकों से डिकेड मीन दशक दस साल का एक डिकेड होता है दिस हैड बीन दिस सीट ये जो स्टेडियम है या ये जो बिल्डिंग्स हैं यूनियन बिल्डिंग ये कई दस दशकों तक एक जगह होती थी सीट मीन बैठने की जगह और वाइट सुप्रीमेसी वाइट सुपर गोरी सत्ता की जो व्हाइट गोरे लोग हैं उनकी सर्वोच्चता प्रभु सत्ता की एक जगह होती थी अंग्रेज लोग यहीं से पूरे दक्षिण अफ्रीका को डोमिनेट करते थे तो कई दशकों से ये जो जगह है ये अंग्रेजी सर्वोच्चता की बैठने की जगह हुआ करती थी एंड नाउ इट वाज दी साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग और आज ये जगह बन गई किसकी एक रेनबो गैदरिंग इन्दर इंदर, इंदर धनुषी भीड़ की आज यहाँ पर कौन बैठे थे एक इंद्रधनुषी भीड़ बैठी थी सात रंगों की भीड़ बैठी थी ऑफ डिफरेंट कलर्स भिन्न भिन्न रंगों की एंड नेशंस और भिन्न भिन्न राष्ट्रों से आए हुए लोगों की फॉर दी इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए इंस्टॉलेशन विन स्थापना ऑफ साउथ अफ्रीकाज़ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट दक्षिणी अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट और जाति विहीन सरकार रेसियल होता है बिना जाति की जात पात की और जाति विहीन पहली जो सरकार बनी उस सरकार की स्थापना के लिए सम्मान के रूप में ये लोग यहाँ पर आए थे कौन आए थे दुनिया भर के लोग यहाँ पर आए थे तो बच्चों आपने देखा कि जो समारोह है वो एक सेरेमनी जो है एक स्टेडियम में होना था और ये जगह कभी अंग्रेज़ों की सरकार यहीं से चलती थी और आज यहाँ पर दुनिया भर के भिन्न भिन्न देशों से बड़े बड़े डिग्नेटरीज और बड़े बड़े राजनेता आए थे क्यों आए थे क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनने वाली थी जो किसी जात पात पर आधारित नहीं थी ऑन दैट लवली ओटम डे ओटम मीन पतझड़ के पतझड़ के उस सुंदर दिन पतझड़ का बड़ा ही सुंदर दिन था आई वॉज़ अकम्पेंड अकम्पेंड होता है साथ मेरे साथ कौन थी बाई माई डोटर जे नानी मेरे साथ मेरी बेटी जैनानी थी ऑन दी पोडियम पोडियम मीन स्टेज स्टेज पर जाकर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोरन सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सोरन उसको जो है इन ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट एक द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सोर्न शपथ दिलाई गई सबसे पहले शपथ किसको दिलाई गई सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट को और वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बनाया गया मिस्टर डी क्लर्क देन इसके बाद ये है नैंसल मंडेला का फोटो आपने इससे परिचित भी होंगे इसके बाद थाबो मबेकी वाथ्स स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी देव, प्रेजिडेंट और प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ किसको दिलाई गई थेम्बो मैबेकी को तो आपने देखा सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई फिर फर्स्ट उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई वैन इट वॉज़ माई टर्न और जब मेरी बारी आई आई प्लेजड तो मैंने कसम ली मैंने शपथ ली टू ओबे एंड अप होल्ड द कांस्टिट्यूशन्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान संविधान की पालना करने की और उसको कायम रखने की संविधान को बनाए रखने की मैंने कसम ली एंड टू डिवोट माई सेल्प टू दी वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल और मैंने रिपब्लिक गणतंत्र और इसके लोगों की वेलबींग भलाई के लिए अपने आप को इनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की कसम ली टू तो दसम्बल्ड गेस्ट वहाँ पर असम्बल्ड बी जमा वहाँ पर इकट्ठे एक एकत्रित मेहमानों को एंड दी वॉचिंग वर्ल्ड और दुनिया भर में जो लोग बैठे टी वी के आगे देख रहे थे उन लोगों को आई सैड मैंने कहा तो बेटे आज के लिए इतना ही आपने आज हमने इस पाठ की शुरुआत की है नेल्सन मंडेला की इसकी इतिहास भी हमने थोड़ा सा आपको बताया उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ओके बेटे बाय